नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाऊं एक बहुत ही जानदार प्रॉपर्टी, 1800 स्क्वायर फीट के अंदर 3 BHK फ्लैट, 2 वॉशरूम्स के साथ, टॉप फ्लोर के ऊपर, द्वारका सेक्टर 9 में। हाँ जी, सेक्टर 10 में। बहुत बार आप लोगों ने हमसे प्रॉपर्टी मांगी है, तो आज फाइनली आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। सेक्टर 10 मेट्रो से बहुत ही नज़दीक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो आपका हॉस्पिटल बन रहा है, इट इज़ लाइक वॉकिंग फ्रॉम हियर। सो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ चाहिए आपको किसी भी तरीके की, तो दिस इज़ दी प्रॉपर्टी। एक्सप्रेसवे यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे है जो स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो दीज आर दोज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जिसके अंदर आज आपने इन्वेस्ट किया। डाउन द लाइन जब ये चीज़ें फुल फ्लेज एकदम अप एंड रनिंग कंडीशन में होगी ना, आपको फटाफट तुरंत 20-30-40 इवन आई डू नॉट नो कितने परसेंट का हाइक देके चली जाएंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिए, कितनी अमेजिंग, कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी। सोसाइटी के अंदर गार्डन रहेगी, बिल्कुल सब कुछ रहेगा, सारे सोसाइटी के गुण मिलेंगे, एज एन रिजर्व्ड कार पार्किंग मिलेगी, गार्ड मिलेगा, मंदिर मिलेगा सोसाइटी के अंदर, मदर डेयरी मिलेगी सोसाइटी के अंदर, सारे सोसाइटी के गुण, सोसाइटी की कंडीशन वेल मेंटेन्ड, एकदम प्राइवेट जिसको कहते हैं, प्राइसिंग बहुत जानदार। एंड तक देखोगे तो पता लगेगा। ऑल इन ऑल अगर इन शॉर्ट बताऊँ ना, तो आजकल जो DDA 2 BHK जिस प्राइस टैग के अंदर दे रहा है ना, सिमिलर प्राइस टैग के अंदर DDA से लाख गुना अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी द्वारका सेक्टर 9 में, जो कि ना नाले के पास है, ना किसी गंदे लोकेशन के ऊपर है, बहुत प्रीमियम, बहुत अच्छे लोकेशन के ऊपर है। सो फटाफट एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा। गाइस, टॉप फ्लोर रहेगा ये। टॉप फ्लोर के अंदर आप देख सकते हैं बाहर ही कितना बढ़िया, कितना प्यारा टाइल लगा रखी है, एकदम जैसे आप आ गया होगे, इट्स रीमॉडिफाइड, रीफर्निश्ड, पूरा का पूरा वर्क है। जैसे हम एंटर करेंगे, एंटर करते के साथ ही सबसे पहले आपको मिलेगा हमारा डोर। डोर के ऊपर 2 आपको हैंडल्स लग के मिल रहे हैं एंड 1 लॉक लग के मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छा काम आपको डोर के ऊपर वेनियर का होके मिल रहा है, ठीक है। जैसे हम एंटर कर जाते हैं, एंटर करने के बाद जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, दिस इज 7th फ्लोर। हाँ जी, टॉप फ्लोर रहने वाला है, छत एक्सेस कर सकते हैं आप, और बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छे साइज़ के अंदर आपको हमारा सबसे पहले मिलेगा लिविंग हॉल। सोसाइटी फ्लैट के अंदर यूजुअली ये साइज़ का लिविंग हॉल हल्का सा थोड़ा कम देखने को मिलता है। सो लिविंग हॉल से जैसे ही आप इस तरफ देखेंगे, आपको मिलेगा हमारा बेडरूम नंबर 1 विद अटैच हमारा वॉशरूम। हल्का सा हम इधर आएंगे, यहाँ पे हमारे को मिलेगा हमारा किचन विद पेंट्री, ये हमारा डाइनिंग एरिया रहेगा, ये हमारे बचे हुए 2 बेडरूम्स रहेंगे, एक के अंदर आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा, एक के अंदर आपको अटैच बालकनी मिलेगी, एंड दिस विल बी योर कॉमन कम अटैच वॉशरूम। हाँ जी, 3 बेडरूम्स के अंदर आपको 2 वॉश मिलेंगे, 3 बेडरूम 2 बाथ के साथ, इतना अमेजिंग साइज के अंदर हमारा ये फ्लैट मिलने वाला है आज आपको। साइज की अगर मैं बात करूँ तो लाइट कलर से पेंटेड आपकी वॉल्स हैं, फ्लोरिंग के ऊपर आपको डिजिटली विट्रीफाइड टाइल्स पूरे फ्लैट में लग के मिलेंगी। हल्का सा आप ऊपर चले जाओगे, फॉल सीलिंग का काम विद कंसील लाइट फैंस आपको सारे लग के मिल रहे हैं, इतना प्यारा, इतना अच्छा, डबल पट्टे के अंदर कहते हैं, इट्स टेक्निकल टर्म, आई डू नॉट नो वेदर यू गाइज नो इट और नॉट, लेकिन हाँ डुअल आप देख सकते हैं कि डुअल कोव के अंदर आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम होके मिल रहा है, विच इज वेरी गुड, इट लुक्स गुड एक्चुअली। सो इसीलिए थोड़ा सा वो अच्छा वाला टर्म है, टेक्निकल मैंने इसलिए यूज़ कर लिया था। जैसे ही आप आगे आएंगे, यहाँ पे और कुछ वैसे बताने लायक है नहीं, काफ़ी लाइट कलर से पेंटेड वॉल्स है। इधर आपको हमारा किचन मिल जाएगा, किचन के साइज की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज़ अगेन वेरी बिग इन साइज, अगर वैसे मेरे को बात करना है तो इट इज़ लाइक 12 फीट 12x8 के साइज के अंदर आपको हमारा किचन मिलेगा, मॉड्यूलर किचन, ओवरहेड स्टोरेज एम्पल है, ठीक है, मॉड्यूलर किचन रहेगा विद कॉर्नर्स, कॉर्नर भी अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर आर रियली गुड, जो यूजली हर फ्लैट में देखने को नहीं मिलता है, स्पेशली इफ इट्स अ सोसाइटी फ्लैट वी नेवर एक्सपेक्टेड। और इसी के साथ हमारा किचन खत्म नहीं होता है, बेस्ट पार्ट इज येट टू कम, दैट इज द पेंट्री, फुल लेंथ पेंट्री मिल रहा है आपको यहाँ पे सामान स्टोर करने के लिए, उसी के साथ वेंटिलेशन एकदम डायरेक्ट मिलेगा आपको यहाँ पर, वेंटिलेशन अच्छा है, स्टोरेज बहुत ही ज्यादा अच्छा है, साइज अमेजिंग है, और टाइल से कवर्ड है तो गंदगी का कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पे भी आपको मार्बल लगेगा किचन टॉप पे। कुकिंग एरिया जो आपका आइडियली रहेगा इस डायरेक्शन में, वॉशिंग एरिया इस डायरेक्शन में, दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो दिस इज वन ऑफ द गुड पार्ट अबाउट किचन, कि किचन के अंदर आपको ये दोनों चीजें एकदम अच्छे एम्पल डिस्टेंस में मिलनी चाहिए। IGL है तो मैं बता नहीं रहा हूँ, PNG इज ऑलरेडी अप एंड रनिंग। हल्का सा आप आ गया होगे, ये आपका डाइनिंग एरिया रहने वाला है, विच इज वेरी गुड एंड वेरी डिसेंट, 6-seater, 5-seater, 4-seater डिपेंड्स ऑन योर फैमिली साइज, आप इसको यूज कर सकते हो। हल्का सा और आगे आएंगे, राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, आपको पूरे का पूरा विंडो मिल जाता है फॉर द वेंटिलेशन। हाँ जी, इससे
वेंटिलेशन भी बहुत अमेजिंग मिलेगा, व्यू भी आपको पूरा ग्रीन मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड पार्ट अबाउट सोसाइटी फ्लैट्स कि इसके अंदर आपको वेंटिलेशन बहुत जबरदस्त मिलती है। अगेन बीइंग अ सोसाइटी फ्लैट यहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त वेंटिलेशन मिलने वाली है। एक्सक्यूज मी, जैसे आप आगे आएंगे हल्का सा ये आपका रहेगा कॉमन वॉशरूम। हाँ जी, कॉमन कम अटैच वॉशरूम रहने वाला है। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज क्वाइट डिसेंट, लगभग 8 feet लंबा और 5 feet चौड़ा। हाँ जी, हैंड वॉश एरिया हिंदवेयर, बेदिंग सॉरी पॉट एरिया हिंदवेयर एंड बेदिंग जोन भी आपका पूरा हिंदवेयर से बना हुआ है, तो विच इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड। सो टाइल्स 2x4 की पूरे वॉशरूम में लगी हुई है, गंदगी का कोई स्कोप नहीं है। वेंटिलेशन के लिए आपको एग्जॉस्ट यहाँ पे लग के मिल जाएगा, विच इज वेरी गुड। सो गाइज, ये था हमारा कॉमन एरिया। आपने देखा कि बीइंग अ सोसाइटी फ्लैट सेफ्टी मिल रही है सोसाइटी की, सारे के सारे फीचर आपको सोसाइटी के मिल रहे हैं, लेकिन जो फ्लैट मिल रहा है, जो फ्लैट की खूबसूरती मिल रही है, दैट इज इक्विवेलेंट टू बिल्डर फ्लोर। हाँ जी, बिल्डर फ्लोर की तरह एकदम चमकता हुआ चमाता हुआ फ्लैट रहेगा ये। जैसे आप आगे आएंगे इस वाले रूम के अंदर हम एंट्री करते हैं, सिमिलर तरीके का कॉन्फिगरेशन है, फ्लोरिंग पे टाइल्स, ऊपर लाइट कलर से पेंटेड वॉल्स, ऊपर एकदम बढ़िया सीलिंग का डिजाइन आपको मिलेगा। ठीक है, इसी के अंदर आपको यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है फॉर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के साथ व्यू भी आपको यहाँ से पार्क का मिलेगा। और साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज वेरी डिसेंट साइज, स्टिल अगर मेरे को बताना है तो लगभग इट इज 12x10 के साइज के अंदर आपको पहला हमारा बेडरूम मिल रहा है। इसके अंदर आपको यहाँ पे ट्विन पैनल का वार्डरूम मिल जाता है। हाँ जी, डबल पैनल का वार्डरूम मिल जाता है एंड अटैच वॉशरूम, जो कि कॉमन कम अटैच वॉशरूम रहेगा। यहाँ से आप हल्का सा वापस निकलेंगे एंड विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड बेडरूम्स, सेकंड आसन के बचे हुए जो दो हमारे बेडरूम्स रहने वाले हैं। बेडरूम नंबर सेकंड आपका ये रहेगा, साइज की अगर मैं बात करता हूँ इट इज अगेन क्वाइट डिसेंट, लगभग 14 feet लंबा आपको ये बेडरूम मिलेगा, 10 feet वाइड। हाँ जी, 14x10 के साइज के अंदर फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे होके मिलेगी, लाइट कलर से पेंटेड हमारी वॉल्स रहेंगी, फ्लोरिंग के ऊपर आपको डिजिटली वेट्रीफाइड टाइल्स मिलेंगे विच इज स्टैंडर्ड, और ट्विन पैनल का वार्डरोब आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। सो दो पैनल का वार्डरोब आपको मिल चुका है इधर भी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्लैट और दिस रूम इज इट हैज अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ विच इज क्वाइट डिसेंट इन साइज, 6 feet वाइड है आपका और 5 feet आपका चौड़ा है। आप अगर अंदर आके देखोगे वॉल टू वॉल टाइल से कवर्ड है, गंदगी का कोई स्कोप नहीं है। बेथिंग जोन आपका इस डायरेक्शन में मिलेगा, हिंदवेयर और पॉट एरिया आपका इस डायरेक्शन में मिलेगा, अगेन हिंदवेयर। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो बेथिंग जोन सॉरी हैंड वॉश एरिया रहेगा विद वैनिटी एंड विद हिंदवेयर, विट्रेस हो चाहे सैनिटरी हो, दोनों आपको सिर्फ हिंदवेयर का मिलेगा, अगेन विच इज क्वाइट गुड। थोड़ा सा ब्रांड रहता है तो एटलीस्ट आपको बताया कि लाइफ एंड ड्यूरेशन इज वेरी गुड। सो हमारे दो बेडरूम्स देखे अभी तक हमने, दोनों में वार्डरोब था, दिस इज द थर्ड बट नॉट लास्ट। हाँ जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट कह सकते हैं हम, थर्ड बेडरूम जो आपका रहने वाला है, साइज की अगर मैं बात करता हूँ 10 feet वाइड है, चौड़ाई की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन इट इज लाइक 12 feet, 12x10 12x10 के साइज के अंदर आपको ये बेडरूम मिलेगा, लाइट कलर से पेंटेड वॉल्स। ऊपर की तरफ चले जाएंगे आप, आपको मिलेगा हमारा फॉल सीलिंग का डिजाइन, 3 panel का वार्डरोब एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस, टडा, पूरे का पूरा बालकनी मिलेगा, बालकनी इन अ कॉर्नर शेप, इतना अमेजिंग बालकनी स्पेस आपको मिल रहा है यूज करने के लिए। यू कैन यूज इट द वे यू वांट, जो कि मैं यूजली आपको हर बार बताता हूँ। हाँ जी, चाय पानी कॉफी झूला कुछ भी लगाओ, यू कैन ईजिली इंस्टॉल इट, इंस्टॉल करो, एंजॉय करो, छोटा मोटा वेदर है तो वेदर, और वेदर नहीं है तो ये व्यू। सो गाइस, दिस इज दी प्रॉपर्टी, आज की जो प्रॉपर्टी थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। रीजन बीइंग आपको हर बार ही सिर्फ सोसाइटी के अंदर फ्लैट चाहिए होता है एंड आई हैव डिलीवर्ड इट। हाँ जी, सोसाइटी के अंदर इतना बढ़िया, इतना प्यारा, बिना सीलन का, बिना पुरानी बिल्डिंगों का, विद सेफ्टी, विद सिक्योरिटी, विद रिजर्व्ड कार पार्किंग, मैंने आपको ये फ्लैट दिया है जो कि आप अपना बना सकते हो। इस प्रॉपर्टी को अपना बनाने के लिए ऊपर लिखा हुआ प्रॉपर्टी कोड नोट डाउन कीजिए और नीचे दिए नंबरों पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है तो याद है आप हमें कॉल कर सकते हैं, नई हो चाहे पुरानी हो। गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया ठाड़ा।